स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 6 फरवरी को लता मंगेशकर हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई थी। उनका जाना संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति था। लता जी को गुजरे हुए भले ही एक साल हो गया है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें भुला नहीं पाए हैं। बता दें कि लता मंगेशकर 8 जनवरी साल 2022 को कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी। इतना ही नहीं, कोरोना के साथ उन्हें निमोनिया भी हो गया था, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने 6 फरवरी को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। आज हम आपको लता मंगेशकर की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बताएंगे और बताएंगे कि उनका बचपन कैसे बीता और उनका जन्म कहां हुआ। दरअसल लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के घर में हुआ था। वह एक मध्यवर्गीय मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्हें संगीत और सुर का ज्ञान अपने पिता से विरासत में मिला था। कहते हैं कि पिता को देखकर ही लता ने अपने संगीत से अपना नाता जोड़ा था, लेकिन महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद उन पर सारे घर की जिम्मेदारियां आ गई थीं। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। ऐसे में उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा था और कमाने लगी थी। आप सभी के दिमाग में यह ख्याल ज़रूर आता होगा कि इतनी बड़ी हस्ती लेकिन उन्होंने शादी क्यों नहीं की, ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसा उन्होंने किया क्यों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने घर की जिम्मेदारियों की वजह से शादी नहीं की थी। आगे उन्होंने यह भी कहा था कि कई बार इस बारे में उन्होंने सोचा था लेकिन कभी अमल नहीं कर पाई थी। परिवार की जिम्मेदारियों को देखते देखते वक्त चला गया और वे ताउम्र शादी नहीं कर पाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर ने 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। वह भारत के तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित 3 राष्ट्रीय और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। हालांकि कहते हैं कि एक वक्त वो था जब लोगों को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई थी। पतली आवाज़ की वजह से फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने देश भर में राज भी किया। उनको गए हुए एक साल गुजर गया है, लेकिन उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। अपने 8 दशक के ज़्यादातर करियर में उन्होंने 36 भाषाओं में तकरीबन 50,000 से गाने गाए थे। लता मंगेशकर की बहन और मशहूर गायिका आशा भोसले को तो आप जानते ही होंगे। लता जी के परिवार में सभी कलाकार थे। उनके पिता एक थिएटर चलाया करते थे। एक दिन उन्होंने लता को गाते हुए सुना और उनकी माँ से कहा कि हमारे घर में भी एक गायक है। उनकी 2 छोटी बहनें मीना और उषा भी सिंगर हैं। इसके साथ ही लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में अपनी आवाज़ दी है। लता जी ने सिर्फ ना हिंदी और उर्दू में बल्कि 36 भारतीय भाषाओं में जैसे कि मराठी, तमिल, भोजपुरी, कन्नड़, बंगाली जैसी भाषाओं में भी अपनी आवाज़ दी है। इस बात से शायद आप ताल्लुक रखते होंगे कि जब भी घर में बच्चे होते हैं तो उनके माता पिता पहले ही उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लता मंगेशकर के साथ। उनके पिता ने भी उनके भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की थी। लता जी जब 13 साल की थी तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था और लता पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई थी। एक बार एक इंटरव्यू में लता ने कहा था कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो आज मैं सिंगर ना होती। उन्होंने बताया था कि उनके पिता को लंबे समय तक ये तक मालूम नहीं था कि लता जी के पास इतनी सुरीली आवाज़ है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो उनकी प्रतिभा को निखारना चाहते थे और बेटी लता से गीत सुनाने के लिए कहा करते थे, लेकिन लता जी को पिता से बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और वे रसोई में अपनी माँ के पास भाग जाया करती थी। लेकिन पिता उनकी आवाज़ से ये भाव गए थे कि उनकी बेटी एक समय बाद बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। लता मंगेशकर की पहली कमाई 25 रुपए के रूप में हुई थी। लता मंगेशकर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में फिल्म पहली मंगलागौर से डेब्यू किया था और उनकी पहली कमाई 25 रुपए हुई थी। 18 साल की उम्र में मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर के गीत से लता जी को पहचान दी थी। इस फिल्म में लता जी को मुकेश के साथ गाना गाने का भी मौका मिला था। फिल्म के बोल थे, अंग्रेजी छोरा चला गया। इसके बाद लता जी ने इंडस्ट्री के लिए हजारों गीत गाए और गायिका के लिए कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। लता जी की सिंगिंग के बारे में तो आप सब जानते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनकी कुकिंग के बारे में भी जानते हैं कि वह कुकिंग की कितनी बड़ी शौकीन थी। कहा जाता है कि लता जी को चिकन और हलवा बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसने भी उनके हाथ का चिकन खा लिया वो शायद उस स्वाद को भूल ही नहीं पाया। इसके अलावा लता जी खाने पीने की भी काफ़ी शौकीन थी। सी फूड, खासकर गोवा की फ़िश और समुद्री झींगे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। इसके अलावा केसर जलेबी भी उन्हें बेहद प्रिय थी। आप शायद यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि लता मंगेशकर खुद के गाने नहीं सुना करती थी और अगले जन्म में वह सिंगर भी नहीं बनना चाहती थी। लता मंगेशकर ने बचपन से ही काफ़ी संघर्ष किया। बाली उम्र में लता के पिता दीनानाथ का निधन हो गया था और घर में बड़ी बेटी होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां अचानक लता के कंधे पर आ गई थीं। लता ने अपने पिता के साथ 5 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा तो लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में गाने नहीं गाए थे। इसके पीछे की वजह थी उनके पिता की पसंद थी। दरअसल लता मंगेशकर के पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों में काम करें, लेकिन पिता के निधन के बाद लता के सामने परिवार चलाने की भीषण जिम्मेदारी सामने आ गई थी। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई सदाबहार गाने भी गाए हैं, जिनमें से गाता रहे मेरा दिल, तस्वीर मेरे दिल में, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, होठों पे ऐसी बात, तू जहाँ जहाँ चलेगा जैसी सदाबहार गाने उन्होंने गाए हैं। लता ने अपनी सफलता से पहले लंबा संघर्ष किया था। पिता का साया उठ जाने के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा था। बिना कुछ खाए पिए दिन भर लता मंगेशकर काम करती थी और शाम को पैसे लेकर ज़रूरत का सामान लेकर घर वापस जाया करती थी। हालांकि कुछ ही गानों के बाद लता का काम चल निकला और वो बॉलीवुड की बड़ी सिंगर बन गई। बीते साल लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड की आंखें नम हो गई थीं। आज पहली पुण्यतिथि पर संगीत जगत से दिग्गजों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है और टुडे जुनून की तरफ से भी सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे जुनून।